हे भाई, वर्ड्स ऑफ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स फैजल व्लॉग्स। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद, एक काफ़ी अरसे बाद हम लोग आपसे अपने टी फाइनलाइज जो प्लेटिना 110 है एच गियर वाली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग जो रिस्पॉन्स देते हो, जो प्यार देते हो अपने वीडियोज़ पर, काफ़ी अच्छे देते हो। वैसे इन फ्यूचर देते रहो भाई, और 4K के बहुत ही नियर भाई हम लोग, तो फटाफट सब्सक्राइब करके 4K कंप्लीट करवा दो भाई। 4K पे एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो वो न्यूज़ आप लोग को वो 4K कंप्लीट होने के बाद भी मिल जाएगी। तो भाई, आपके भाई का चल रहा है रोज़ा, तो रोज़े में जानते हो वीडियो बनाना कितना डिफिकल्ट काम रहता है। अभी यहाँ पे यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से यानी कि अभी मेरे हिसाब से 5 बज रहे होंगे शाम में। तो भाई, फाइनलाइज अपने प्लेटिना 110 जो थी मेरी, ये BS6 ही मॉडल है, बट इसमें BS6 में आप लोग को पता है, आप लोग को पहले बाइक दिखा दूँ। आप लोगों को पता है भाई, ये वाला मॉडल जो आया था अभी भी आ रहा है, बट लेकिन अभी भी इसमें मैट फिनिशिंग में दे दिए यहाँ पे टैंक वगैरह। तो ये अपना मॉडल है भाई, ये 2021 वाला मॉडल है अपना, तो 22-23 अप्रॉक्स 1.5 साल के आसपास हो रहे, क्योंकि जो अपनी राइडर आई थी और ये आई थी, तो वो मेरे हिसाब से 2 साल हो रहे हैं भाई। 21 वाला नहीं, मेरे खुद ही कन्फ्यूज़न है भाई, 21 मॉडल है 20 मॉडल है। तो लेट्स सी, मैं कंफर्म कर लूँगा एक बार फिर से, बट लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी अपने को नहीं पता, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से 2 साल हो गए, क्योंकि भाई रेडर को अपने 1 साल 3 महीने 4 महीने हुए, तो 1 साल रेडर से 1 साल पहले, तो 2 साल 3 महीने 4 महीने के आसपास हो गई है। तो 2020 मॉडल है, दिसंबर का रजिस्ट्रेशन है भाई इसका। यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, 17,000 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली, समथिंग अराउंड 17,252 किलोमीटर मैंने बाइक चला लिए। तो इस बाइक के बारे में भाई, क्या अपने को टोटल एक निचोड़ टाइप का निकलता है, क्या बेस्ट बाइक है 100 CC की कैटेगरी में, यानी कि क्या भी जो भी आप लोग के डाउट रहते हैं, जैसे आपको भाई एक कम्यूटर बाइक लेना है डेली यूजेस के लिए, सिटी में, विलेज में, कहीं भी कुछ भी आपको भाई लेना है, तो उस हिसाब से किस क्राइटेरिया में बेस्ट है, किस क्राइटेरिया में थोड़ी दिक्कत है, वो सर आप लोग के इस वीडियो में दूर होने वाला। तो भाई, चैनल में पहली बार आए तो भाई चैनल का तो सब्सक्राइब कर आइकन दबा लो, क्योंकि थोड़ा सा अभी देख सकते हो धूप बाइक पे पड़ रही है, तो आपको कलर फिगर काफ़ी ज़्यादा यानी कि चमक रहे होंगे, देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, बाइक है 110 CC के एच गियर, आपको यहाँ से दिख रहा होगा भाई, तो माइलेज निकाल के दिया है भाई। माइलेज से मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माइलेज इस बाइक का। 110 CC की बाइक है भाई, पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इस बाइक का, पिकअप वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे जो इस तरीके के बाइक में, जो भाई देखो, मैं किस एरिया में रहता हूँ आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे रोड्स रहते हैं इस एरिया में, इस एरिया के लिए भाई इसका जो पिकअप है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो माइलेज निकल के आता है 55 से 60 बीच में निकल के आता है। अगर हाईवे पे आप 60-70 चलते हो, तो भाई 60 का माइलेज आपको निकाल के बाइक प्रोड्यूस करने वाली है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग्स पे, तो ब्रेकिंग्स पे भाई इसमें आपको फ्रंट डिस्क मिल जाएगा, बैक में ड्रम ब्रेक्स मिल गया, इसमें दोनों ऑप्शन आता है, डिस्क और ड्रम का दोनों ऑप्शन आता है। तो मैंने डिस्क वाला, यानी टॉप एंड मॉडल था प्लेटिना में, इससे ऊपर कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं था जिस टाइम मैंने इसको लिया हुआ था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या मुझे इसमें क्या दिक्कतें आई। तो भाई, जो 2 साल का मुझे इस बाइक के साथ मेरा सफ़र रहा हुआ है आज से 2 साल से, तो इस बाइक से मेरा जो सफ़र रहा हुआ है भाई, उस सफ़र में मुझे केवल एक ही प्रॉब्लम आई है, और वो भी जल्द से जल्द सॉल्व हो गई थी भाई। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा था बाइक के साथ, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो बैटरी चेंज करने की वजह से टाइम टू टाइम सॉल्व हो गया था। बट लेकिन इस बाइक के अंदर भाई मुझे एक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत, मेजर इशू करना पड़ता है, वो है इसकी इंजन लाइट। क्योंकि भाई इसकी जो इंजन लाइट है ना, वो स्टार्ट वगैरह करने में, जैसे मैं आपको दिखा दूं, स्टार्ट करने में भी नहीं जाती भाई इंजन लाइट। तो इस इंजन लाइट से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान, बाकी मुझे इंजन लाइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही अपनी इस बाइक के अंदर, क्योंकि भाई इंजन लाइट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मेरे माइलेज पे, ना मेरी बाइक स्टार्टिंग में, ना कोई और भी कोई मुझे दिक्कत नहीं मिली। और भाई, तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बाइक की अच्छी लगती है, इस बाइक का मुझे भाई हेड ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर जो क्रोमिंग की गई है ना प्लेटिना की तरफ, बजाज की तरफ से भाई, बेस्ट वर्क है, काफ़ी अच्छा लगता हुआ है भाई। और यहाँ पे भाई मैंने अलग से यहाँ पे LED डलवा रखी है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट LED है भाई इस सेगमेंट में। इसमें मैंने जो डाल रखा है ना भाई, मेरे रेडर को भी फेल करती है LEDs, बहुत ज़्यादा सुपर क्लियर है भाई। ये मुझे LED समथिंग 800 रुपये की पड़ी थी फ्लिपकार्ट पे। आप लोग ऑटोमार्क का नाम सुना होगा, ऑटोमार्क LED कुछ ऐसे कर का था ये LED। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फ्रंट एंड बैक टायर्स, तो देख सकते हो फ्रंट तो अभी स्टॉक मेरा चल रहा है भाई, यूरो ग्रुप के फ्रंट में मुझे टायर्स देखने को मिले थे, और बैक में मैंने जैसे कि चेंज करवा दिया, तो 17,000 मेरे समथिंग 1,000 पहले, यानी कि 16,000 पे मैंने पिछला का टायर जो था टायर उसको चेंज करवा के, अब की जो टायर मैंने डाला है भाई, वो यहाँ पे देख सकते हो आप, C8 का मैंने टायर डाला हुआ है,
इसकी जो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये इसकी जो ग्रिपिंग बनती है ना भाई, फैबुलस ग्रिपिंग है भाई। रोड रोड्स पे अपनी कट उट मारने पे जैसे पहले मैं दिक्कत करती थी बाइक पे थोड़ा सा, बट लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस अलग से अंदर से बाढ़ जाता है कि भाई आप इस पे, और ब्रेकिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई जब से मैंने नया टायर इंस्टॉल करवाया बाइक साइड में। फ्रंट का भी मुझे चेंज करवाना पड़ जाएगा मे भी, क्योंकि आप सभी देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर बात कर लें कि बाइक मेंटेनेंस कितना मांगती है, तो भाई बाइक मेंटेनेंस अभी टिल नाउ 2 साल 3 4 महीने जो भी हो गए भाई, टिल नाउ मैंने केवल टाइम टू टाइम सर्विस करवाया इस बाइक का और नथिंग एट ऑल। मैंने एक रुपए भी खर्च नहीं किए हैं भाई इस बाइक के ऊपर। इस बाइक के ऊपर मैंने जो अलग से एसेसरीज लगवाई है वो केवल LED लाइट है, बाकी ऑल टू द स्टॉक बाइक है। मैंने इसमें सिंगल स्टिकरिंग का भी ऑप्शन जो था होता है मैंने वो भी नहीं करवा के रखा भाई, एक चीज़ नहीं रखवा के रखी। और बैक साइड से कुछ ऐसे दिखती है यहाँ से आप देख लो यहाँ पे। और मुझे पर्टिकुलर इसके इंडिकेटर्स वगैरह ना भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब बात कर लेते हैं जिस वीडियो के लिए आप यहाँ पे आए हैं, मेन मुद्दे कि भाई ये सक्सेस है कि नहीं सिटी और राइड के लिए। भाई सिटी में और रूरल एरिया में यानी कहीं भी आप गांव विलेज में कहीं भी लें, 110 सीसी में जो रेंज में भी आ रही है 80 85 या 90 हज़ार के आसपास एच गियर डिस्क ब्रेक के साथ आ रही है और ड्रम ब्रेक 4 5 हज़ार कम हो जाता है, तो भाई ये अपनी कैटेगरी की भाई रूल यानी किंग बाइक पकड़ के चलो भाई। स्प्लेंडर अगर आप पसंद है भाई, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, बट स्प्लेंडर के बाद अगर जिनको बजाज के इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगते हैं, बेटे DTSI इंजन है इसमें, पावर्ड बाई DTSI है, इसके जो भाई पावर है ना, पावर को छोड़ दो, इसका जो इंजन है इतना स्मूथ है भाई, आप 50 100 200 किलोमीटर चलाने के बाद आओगे खड़ी कर दोगे ना भाई, इंजन से एक सिंगल साउंड भी नहीं आएगी। उस इंजन का एक साउंड नहीं, जो इंजन का होता है ना वो साउंड चेंज हो जाता है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस बाइक के अंदर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई चीज़ है आपको खुद ही कि आप 70 80 किलोमीटर चला गया हो, आपकी बाइक को ना पता है कि आप इतना ज़्यादा किला के आए हो इस बाइक को। जैसे कि मैंने राइडर चला गया तो उसका इंजन साउंड चेंज होता है, बट इसका इंजन साउंड भाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और इसकी ब्रेकिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टू टाइम ब्रेक आपको इसमें यानी कि 70 80 आप चल रहे हो, नो डाउट आप ब्रेकिंग्स के ऊपर इस पर कॉन्फिडेंट रह सकते हो, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, बट लेकिन टाइम टू टाइम मेंटेनेंस मांगती है ब्रेकिंग्स इसके भी। भाई एक और रिक्वेस्ट करूंगा, रमज़ान में आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा बोल बोल के मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट मिलता ही है आप लोग इसको अगर मुझे सपोर्ट करो, तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो भाई मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम और आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है। और भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इससे बहुत ही ज़्यादा यानी कि फ़ायदा होता है कार्बोरेटर इंजन में। क्या है भाई कि कार्बोरेटर इंजन इसमें भाई पहली बाइक है, क्योंकि स्प्लेंडर में भी हटा दिया, इस हीरो की सारी बाइक में हटा दिया, सारी बाइकों में हटा दी, केवल बजाज अभी कार्बोरेटर इंजन दे रहा है, यानी कार्बोरेटर इंजन में क्या होता हूँ यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये चीज़ जो कार्बोरेटर इंजन भाई बजाज ही दे रहा है और किक भी दे रहा है। किक तो मान लो चलो मिल जाता है हर बाइक में 110 cc 100 cc में, बट ये जो चीज़ ये दे रहा है ना भाई, इससे काफ़ी ज़्यादा माइलेज वगैरह सेट करवा सकते हो, पिकअप वगैरह इन्हेंस करवा सकते हो भाई। और बाकी सस्पेंशन कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल क्या है बाइक, 3 लोग बैठ के आराम से चल सकते हो, गेड़ियाँ मार सकते हो, इतनी लंबी सीट इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और भाई यहाँ तक आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताओ आप इस बाइक के साथ कौन सा थ्रिल वीडियो देखना चाहते हो, माइलेज टेस्ट वगैरह सब मैंने इसका अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप लोग जाके वॉच कर सकते हो। और भी कुछ भी आपके साथ डिटेल में चाहिए तो भाई अब मैं 17 हज़ार के बाद ना एक माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ मुझे 17 हज़ार के किलोमीटर के बाद कितना माइलेज निकाल के दे रही है। और तब तक होप सो आप इंजॉय करिएगा, टाटा बाय बाय, ऑलवेज द गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गेयर्स वाइल राइडिंग।